देखिए जी, पूरी देश की जनता हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित जी शाह के द्वारा जो नागरिक संशोधन बिल 2019 को पार्लियामेंट में और राज्यसभा में पास भारी बहुमत से जो पास हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति महोदय की भी मोहर लग गई, उसको पूरे देश में लागू करने का काम हो गया। परंतु राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कहा कि हम इस बिल को राजस्थान प्रदेश में लागू नहीं करेंगे। तो आज राजस्थान प्रदेश की जनता इस बात के लिए प्रश्न कर रही है गहलोत साहब से कि जब संविधान की आपने शपथ ली थी कि हम संविधान की पालना करेंगे, तो आप उसकी पालना राजस्थान प्रदेश में क्यों नहीं करना चाहते? और राजस्थान प्रदेश के शरणार्थियों के साथ आप सुतेला व्यवहार क्यों करना चाहते हो? जो शरणार्थी जो पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और आपके बांग्लादेश में जो प्रताड़ित हुए, जिनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, जिनको जिनकी बेटियों का जबरदस्ती निकाह किया गया और यदि उसने धर्म को स्वीकार नहीं किया तो उसको मार काट दिया गया, वो डर करके छुप करके वहाँ से बच करके भारतवर्ष में आए हैं और आज उसको भारतवर्ष भी स्वीकार नहीं करना चाहता। जब ये बिल पास हो गया तो गहलोत साहब को भी राजस्थान प्रदेश में जितने भी शरणार्थी रहते हैं उनको नागरिकता देना चाहिए। और आज यही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में केंद्र सरकार को पत्र भेजा था कि हम हमारे यहाँ शरणार्थी रहते हैं और सबसे ज़्यादा शरणार्थी जोधपुर में रहते हैं, उनके इलाके में रहते हैं, हम उनको नागरिकता देना चाहते हैं। यह गहलोत जी का पत्र है, परंतु फिर क्यों उसका विरोध करना चाहते हैं? ये केवल मात्र कांग्रेस की सरकार वोटों की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति के कारण इस बिल का विरोध कर रही हैं। राजस्थान प्रदेश की जनता और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तब तक इसके लिए संघर्ष करेगा जब तक यहाँ पर इनको नागरिकता नहीं दी जाएगी। आज पूरे राजस्थान प्रदेश के जो शरणार्थी हैं यहाँ पर आए हैं क्योंकि विधानसभा में गहलोत साहब एक रेजोल्यूशन ला रहे हैं कल इस बिल के विरोध में, ये भी गलत कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो आपको रेजोल्यूशन लाने की क्या जरूरत है? सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की तो आप इंतज़ार कर लीजिए, वो भी इंतज़ार नहीं कर रहे, संविधान की पालना वो नहीं करना चाहते। मैं समझता हूँ उन्होंने अपना नैतिक अधिकार खो दिया है, उनको मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए, उसके बाद विरोध करें, कोई मना नहीं है उनको। परंतु मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर रहते हुए संविधान का विरोध करना ये उचित नहीं है। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।